पर ये नहीं कही ठाड़े जमाई तेरे बाप के। आप लोगों ने सुना जेऊजा के बाप की ना है विष्णु शर्मा की है हाथरस वालों की। ठाड़े जमाई तेरे बाप के। आप ईमानदारी से सभी लोग फैसला कर लेना, मैंने कोई गलत बात इनके प्रति, कोई गाली गप्पड़ कोई कुछ भी। भैया गायो का गायो साहब तो किशन गुरु जे तो कुआ कोसो बोलो है। जब तुम अपनी औकात पे आगे कुआ में अगर कूकी आवाज लगाओगे तो कूकी आवाज आएगी। और किशन गुरु सुनो, जाके जितने भर नाना मामा फूफा जितने भर यहां बैठे होंगे ना, इस बात का चैलेंज अगर वो अंबीर शर्मा से आज कोई इसको बचा करके ले जाए तो अपने बाप से पैदा नहीं किसी और से पैदा कह देना। एक एक बात का जवाब, लेकिन गलत बात कितनी है उनको भी आप लोग सुने। पंचवटी पे जाकर के मन ही मन में हंस गई है और फिर एक लाइन का कह रहे नथिया गुंडन में फंस गई है। आप लोग फैसला करना। भैया मैं ताली बजाने की तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो केवल समर्थन कर देना। पंचवटी पे जाकर के मन ही मन में हंस गई है, जान ऐसा रूप श्रृंगार कियो नथिया गुंडन में फंस गई है। जब सुपन कहां गई पंचवटी पे, तो वह कौन थे उसके सामने पे? लक्ष्मण और राम। तो भैया लक्ष्मण और राम गुंडाए का? हाथ खड़े करके बताइए भाई, ऐसी बात नहीं है। फिर का गा रहे हैं? गाय का रहे हैं? भागो ना दिख ना रहो, तेरी नार पे घोंटू रख दो ना। बाजे को नहीं सुन, और क्या कह रहे हो? आठ बजे तक दंगल, आठ बजे तक। मैं जो कह रहा हूँ तू चार दिन दंगल लगा लेना, लेकिन ओमवीर शर्मा यहाँ से हट करके चले जाए तो अपने बाप से पैदा नहीं किसी और से पैदा कह देना। इस जनता का मुझे भी प्यार मिला हुआ है और एक एक बात का जवाब देखेंगे आप लोग मेरी तरफ से। जो जो बातें गाई हैं इधर से, तो जैसे रसियाबाज मेरे नीचे लटक रहे, बारहमासी गा रही है। ये व्यक्तिगत बात मुझसे हो रही है तो किशन गुरु न तो इसको छोड़ूंगा अब मैं, और न तुम बक्से जाओगे। बेशक बुढ़ापा हो या कोई भी हो, ये तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा भैया। बिल्कुल, केवल एक चौक छंदकार, फिर देखे इनके अटके फटकों का जवाब, और जनता अपने आप ही फैसला कर देगी। हाँ सर, बहुत बढ़िया गा रहे हो, बहुत जल्दी तरक्की पाओगे। श्रीपाल भैया इनको धन्यवाद देना। त्यारो बाप चूतिया मर गयो, ऐसी छोड़ गयो औलाद, क्यों गुरु विजेंद्र शर्मा जी के नाम को डुबा रहे हो? दोहा भी तुम लगा रहे हो तो बी के मधुआ राय वालों का लगा रहे हो। अशोक शर्मा गाते गाते स्वर्ग सधार गए बेटा। अब देखो मैं यहीं से शुरू होऊंगा कि तेरा बाप चूतिया मर गयो। सभी लोग सुने, अरे कोई ओ हाथरस के कंजरा देख तू सुन, हाथरस के कंजरा। ए गुरु ऐसी मत के भाई, कंजरा बंजरा मत के। सुन बेटा, छोड़ गए ऐसी औलाद, तुम्हारे बाप की भी ताकत नहीं है, एक भी बात लड़ा करके नहीं लाए। जो भैया बैरगवी का बके जा नंबर पे। अब सुनो जवाब इधर से, अरे कोई ओ हाथरस के कंजरा और रायो मरी मराई गोला। मराई गोला दे
जवाब श्री गोपाल भैया। मरी मराई गोलाब, अरे आज इलम हुनर के बोझ से तू मैंने दियो गधा सो। अरे रंग दंग रह गया देख के तेरे सब होर दंग, मर जाएगा मेरे हाथ से होए हल्ला चारों। अब तक छंद पे नहीं पहुंच रहे, कभी तो कह रहे हैं के प्यारी रुक्मिणे राधा को अगवा करके लायो है, कबू अब जा दंत बक्र के आगे टचना पावे गो। मो तो ऐसा दिखाई दे तो कि जऊ के चाचा रे बाप दिखता है, एक बाप ते पैदा ना है कबू तो दंत बक्र। चिंता मत करो खुल के ना है, आज बिल्कुल तुल के होगो दंगल। पहुंच नहीं पाए हो सुबह तक, सुबह होने के लिए जा रहा है, ना छंद पे पहुंचे ना पैर पे पहुंचे। अब देखो मैं आप लोगों के सामने, ताऊ जी आप लोगों के सामने ये खिच्चो आटे वाले छंद नहीं लड़ाया और मैं छंद की कहानी खोल रहा हूं। मेरी कहानी है बलदाऊ का जब संग्राम हुआ है लंग, उसमें द्वारकापुरी के अंदर और एक दुविध नाम का बंदर रहता था और वो भारी उत्पात करता था और बलराम जी उस दुविध नाम के बंदर से रह रहे थे। कऊ चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, तुम पर छंद तक नहीं लड़ाया मेरा। तुझे यों कह रहे हैं फल, कविताई में सौ सौ कोस पीछे हैं, चाहे खिच्चू आटे वाले हो चाहे किशन शर्मा जी हो। अब सुने, अरे कोई अंश, अरे उल्टा चढ़ गया बलदाऊ को और पड़ गया तो कू भारी है। अरे जोर चलो ना है काऊ को तेरी सूरत पड़े गई। कोई सहज निकल ना पावे और चक्कर तेरा चल ना पावे। अरे मूसल दाऊ को हल नाए पावे, मूसल दाऊ को हल नाए पावे, मूसल दाऊ को हल नाए पावे, कचना पावे। साहब देखियो अपने जिनके जवाब दे दू ये जनता भी